Subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest Bollywood news. So this is a beautiful song, beautifully composed and beautifully written with such a wonderful team, you know, starting from the producer to the director and the actors, you know, it was just mere liye to ye ekdam ghar jaise tha, aisa lag raha tha ki main apne logon ke sath picnic karne gayi hu, to bahut maza aaya. मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगा, मैं मिस्ती के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब उनकी कांची देखी थी, मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को इंटरव्यूज में लोग है ना दूर रखते, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, जो मैं फील करता वो बोलता हूँ, मुझे प्लानिंग आती नहीं है. तो मैंने मिस्ती की, सुभाष जी के साथ भी मेरे अच्छे रिलेशन है, तो मैंने मिस्ती की कांची देखी थी. मैंने हमेशा सोचा था इसके साथ मुझे कुछ काम करना है, फिल्म कर, मुझे नहीं पता था ये गाना करूँगा. और फिर कास्टिंग चल रही थी, फिर मिस्ती के फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास आए, तो जो उनके जो मेरे कोई जान पहचान में ओपी नाम के सेक्रेटरी है जो कास्टिंग करते हैं, उन्होंने फ़ोटोग्राफ भेजे मुझे मिस्ती के. मैंने उसको बोला इमीडिएटली इसको मुझे कहा, मेरी मिस्ती से तब तक बात नहीं हुई थी, मैं धवन को फ़ोटोग्राफ भेजे. और जब मिस्ती फाइनल की हम लोग ने, उसके बाद मैंने पूरा नरेशन मिस्ती को फ़ोन पे दिया था, और जब नेक्स्ट डे मैं रिहर्सल पे मिला उसको पूरा नरेशन याद था. तो मैंने उसको पूछा भी आपको याद है नरेशन, तो उसने बोला पूरा वर्ड टू वर्ड याद है. ओके, तो इस सॉन्ग के लिरिक्स मुझे बहुत पसंद आए थे, मुझे कंसेप्ट बहुत पसंद आया था, एंड दीज आर द मेन थिंग्स. और एक सॉन्ग है जिसमें हमको एक पूरी कहानी बतानी है, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी लगी थी मुझे, तो इसके लिए मुझे ये पसंद आया था. इसके अलावा आप गाना भी गाती हैं, तो आपने ये नहीं सोचा कि? मैं गाना नहीं गाती. आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो नहीं नहीं मैं तो सिर्फ नहीं, मैंने प्रोफेशनली तो नहीं सोचा है, लेकिन हाँ मैं गाना तो दिन भर ही गाती रहती हूँ अपने घर पे. एक्चुअली रुस्लान का एक नया शो स्टार्ट हुआ है, और मुझे लगता है उसका सडनली डेट्स का इशू बन गया, तो उसने मुझे, मेरी फ़ोन पे भी बात हुई, और उसने सॉरी भी बोला है, और उसने मीडिया बाइट्स भी मैं उसके भेज दूंगा रितेश के पास, लेकिन वो बेचारा टाइड अप है, वरना वो डेफिनेटली आता. और वो सडनली ऑल ऑफ अ सडन हुआ, वो आपको पता ही चल जाएगा दो वीक में उसका शो ऑन एयर होने वाला है. हाँ मैंने देखी फिल्म. किसका परफॉर्मेंस? मिस्ती का तो अच्छा ही, आप मैंने शूट किया तो मैं तो नहीं, मुझे की बात कर रहे हैं. अच्छा बाकी रोल कम है वो तो, लेकिन कम रोल था, लेकिन वो तो अच्छा, मिस्ती तो अच्छी आर्टिस्ट है, मैंने उसका पूरा गाना किया है, और मैंने पूरा गाना हम लोग ने स्पॉन्टेनियसली शूट किया, ऐसा भी नहीं कुछ होमवर्क किया है हम लोग सेट पे डिस्क, क्योंकि मैंने उसको बोला था स्पॉन्टेनियस ही रहना. मैं जब भी मैं आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ, मैं उनको बांध नहीं देता हूँ, मैं पहले उनके प्लस पॉइंट्स देखता हूँ, प्लस माइनस क्या है, फिर मैं उनको उसके हिसाब से कैरेक्टर में डाल देता हूँ. तो मिस्ती के यार तो मुझे पता ही नहीं कब हम लोग ने शूटिंग की, ऐसा भी नहीं कि बहुत होमवर्क किया, बिकॉज शी इज़ अ इंटेलिजेंट एक्ट्रेस, और मैं बहुत प्रिपेयर था हूँ गाने को लेके, मेरा होमवर्क बहुत रहता ही है. मेरी टीम भी अच्छी है, रतन है, राजीव है, राजेश है, धवन बहुत इंटरेक्ट करता है मेरे साथ, कमलेश बहुत इंटरेक्ट करता है, तो हम लोग पूरा होमवर्क करके शूटिंग पे गए थे, और मिस्ती ने तो बहुत इजीली किया परफॉर्मेंस. जब ऐसा जो सिचुएशन होता है सेट पे, एक अच्छा माहौल होता है, एक हिसाब से बहुत खुल जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसे इश्यूज भी हो जाते हैं कि एक्टर्स ने अपनी बहुत मेहनत की है, बहुत इश्यूज आए हैं, लेकिन फिर भी जो दिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम देखते हैं इंडस्ट्री है, इसी तरह से इंडस्ट्री चलती है, यू नो, एक कैंचियाँ कटती है, अगर कोई बड़ा कोई आर्टिस्ट होता है, सेलिब्रिटी होता है, हम ये बहुत वक्त से देखते हैं. और इस फिल्म में जब हमने मणिकर्णिका देखी, तो हमें लगा कि योर कैरेक्टर वॉज वेरी पावरफुल इन द फिल्म, बट देन अगेन देयर वाज सम इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हुई, और आपके कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस तरह से कैरेक्टर आगे बढ़ सकता था, लेकिन बढ़ा नहीं. जी, व्हाट डू यू वांट टू से, हमने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, बट आपका एग्जैक्टली हमें कुछ नहीं मिल पाया, प्लीज आप अगर कुछ इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे प्लीज बताएं. ओके, तो मुझे एग्जैक्टली जो कहना था आई थिंक मैं कह चुकी, अभी हम इसको ज़्यादा एग्जैजरेट करेंगे
तो इट विल नॉट गो एनी वेयर. हम बोलेंगे उसके काउंटर में जवाब आएगा, फिर हम बोलेंगे, तो इस नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन राइट नाउ. ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट जब किसी भी आर्टिस्ट को आप साइन करते हो, भले वो कोई बड़ा स्टार हो नहीं हो, छोटे से छोटा इंसान भी हो, बट देन यू शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर द आर्टिस्ट एंड नॉट फॉर स्टारडम, यू नो. तो किसी को भी आप साइन करते हो, उससे आपको क्लियर रहना चाहिए कि भाई आपकी ज़रूरत हमारी फिल्म में इतनी ही है और इतना ही आपका काम है. तो आपका जो भी होमवर्क है, काटना पीटना जो भी करना है, वो प्लीज़ स्क्रिप्ट लेवल पे होना चाहिए. और अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि हम फिल्में बहुत टाइम तक शूट करते हैं, कभी कभी 100 दिन तक हम शूट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा पार्ट आपका यू नो स्क्रीन पे रखे. तो थोड़ा बहुत तो कटेगा ही, वो बनता है कि यू नो हर फिल्म में थोड़ा बहुत कटता है. लेकिन अगर आप अननेसेसरीली जस्ट टू यू नो जस्ट टू ग्लोरीफाई योर सेल्फ, अगर आप किसी को डिमिनिश करते हो, वो बहुत गलत बात है मेरे ख्याल से. और आई डोंट थिंक कोई भी सेंसिबल आर्टिस्ट या ऐसा करेगा, कोई भी सेंसिबल आर्टिस्ट ऐसा नहीं करेंगे. मिस्टी, मैं फर्स्ट स्क्रीनिंग में थी, वहाँ पे जब स्क्रीनिंग हो रही थी फिल्म की, कंगना मैम भी थी, सारी कास्ट थी, जब फिल्म देखी आपने तो कंगना से बात की और क्या रिएक्शंस थे? नहीं, मैंने बिल्कुल बात नहीं की. बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर आपको ऐसा ही लगा था तो आप स्क्रीनिंग में क्यों थी. जाहिर सी बात है, क्योंकि स्क्रीनिंग से पहले मैंने फिल्म देखी ही नहीं थी, यू नो. स्क्रीनिंग में मैंने पहली बार फिल्म देखा, और स्क्रीनिंग में देखने के साथ साथ इमीडिएटली मेरी किसी से बात नहीं हुई. आई जस्ट लेफ्ट द थिएटर, एंड उसके बाद ना तो मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं, जो भी इंटरव्यूज़ आप देखेंगे वो उसके पहले से है, जो भी फ़ोटोज़ आप देखेंगे वो स्क्रीनिंग के पहले के हैं, जो भी मैंने अच्छी अच्छी बातें कही है, मतलब मैं अभी भी फिल्म को अच्छा ही बोलूँगी, बट देन जो भी मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह है वो सब स्क्रीनिंग से पहले का है. तो डोंट कॉन्ट्राडिक्ट बाई सेइंग के लाइक मैं वहाँ पर क्यों गई अगर मुझे पसंद नहीं था. मैं इसलिए गई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था. मिस्टी, इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कि कंगना को मजबूरी में डायरेक्शन की कमान संभालनी पड़ी, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कैसी मजबूरी? मतलब डायरेक्टर ने इस फिल्म के लिए, इसके लिए उनको मजबूरी. ओके, तो आपने डायरेक्टर से बात की? But a lot of news report has come that time, and they clearly mentioned that the director was left the film. Why you have not told him before? देखिए, हमारे देश की नहीं, मतलब एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है कि लोग बहुत जजमेंटल होते हैं. अगर आप बात करो तो पब्लिसिटी के लिए बात करो, अगर आप बात नहीं करो, आप चुप हो मतलब आप गलत हो, तो क्या करें भाई. यू नो, डायरेक्टर पहले इसके लिए चुप थे कि उनकी बातें कहीं फिल्म को अफेक्ट ना करें, और किसी ने कोई बात इसके लिए नहीं की फिल्म के रिलीज़ तक कि फिल्म को अफेक्ट ना हो. लेकिन उसके बाद जब उनको लगातार कॉल्स जा रहा था और सब पूछ रहे थे, ही हैड टू कम आउट एंड स्पीक. बट आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि उनका प्लान था वो फिल्म के एक दो हफ्ते बाद बात करे, यू नो, दैट वॉज हिज प्लान. बट देन पीपल केम टू हिम डायरेक्टली एंड दे वर आस्किंग हिम, एंड कब तक कोई चुप रहेगा. तो अभी सच बात ये है, जितना मुझे पता है, जितना और भी आई थिंक 90% लोगों को ये पता है, भले कोई बोले या नहीं बोले, डायरेक्टर ने पूरी फिल्म कंप्लीट की. ऑब्वियसली आई वाज देयर इन द शूट, आई नो उन्होंने कितना शूट किया. पूरा फिल्म कंप्लीट हुआ, उसके बाद वो यू नो ही उन्होंने प्रोड्यूसर से और कंगना से और सबसे ये बात बोली कि यू नो लाइक आई नीड टू साइन अ फिल्म डाउन साउथ. तो NTR की जो बायोपिक है, तो वो मैं साइन करके आके आई कंप्लीट द पैच वर्क, जो कि थोड़ा बहुत पैच वर्क बाकी रहता है. तो उसके बाद वो वहाँ पे गए, उसके बाद ही वॉन्टेड टू कम एंड कम्प्लीट द पैच वर्क. लेकिन तब तक यहाँ पे डिसाइड हो गया था कि यू नो फिल्म को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करना है, और कौन सा कैरेक्टर क्या करेगा क्या नहीं करेगा. सो ही वॉजेंट वेलकम्ड आफ्टर दैट, यू नो, द डायरेक्टर वॉन्टेड टू कम बैक एंड डू द पैच वर्क, बट ही वॉजेंट वेलकम्ड ऑन आवर सेट्स. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ. क्या ये सिर्फ ईगो मैटर, किसी के ईगो का, अहंकार का मैटर है जिसके वजह से ये सब? ये डिसाइड करने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ. लेट पीपल अंडरस्टैंड द ट्रूथ एंड लेट देम डिसाइड ईगो के लिए है या किसका ब्लेम है, क्या है. मैं किसी को ना तो ब्लेम कर रही हूँ, ना किसी के ईगो के बारे में कुछ कह रही हूँ. मैं बस वो बता रही हूँ जो हुआ है. I'm just the narrator over here. I'm just narrating what has happened, my experience, and I'm also narrating what has happened to the director. और जो सब कुछ आप लोगों ने जाना है इतने टाइम तक, उनमें से काफ़ी कुछ गलत है. मैं बस ये बोल रही हूँ कि जो गलत चीज़ें आप जान रहे थे, सच बात क्या है. आप हर्ट हो गई थी?
हर्ट तो कोई भी होगा ना, मतलब जब भी आप फिल्म साइन करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप फिल्म में ये करो. लेट मी क्लैरिफाई दिस, क्योंकि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि मणिकर्णिका का फिल्म है तो मणिकर्णिका के ऊपर ही होगा ना, काशीबाई के ऊपर, तांतिया टोपे के ऊपर, सुंदर मुंदर के ऊपर नहीं हो सकता है, डेफिनेटली नहीं हो सकता है. बट देन जब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फिल्म में आपका क्या है एग्जैक्टली, वो तो कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता ना कि फिल्म में आपको बोला जाता है कि आप ये कर रहे हो. एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हो कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो तो झूठी बात है ना. और वो भी somebody tricks you into giving extra dates ताकि आपके पहले के सीन्स काट पाए, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ऐसा मुझे लगता है. और दूसरी बात ये है कि यू नो जिसके साथ मैंने साइन किया वो डायरेक्टर कोई और था. अगर एक दिन अचानक से जब फिल्म ख़त्म होने वाली है कोई आके मुझे बोले कि मैडम आपका डायरेक्टर ये नहीं ये है और वो भी आपके को-स्टार है, तो ये तो सबको पता है कि हम आर्टिस्ट बहुत नार्सिसिस्ट होते हैं, हर आर्टिस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है. तो मैं तो कभी ऐसा फिल्म ना करूँ जिसका एक्टर ही डायरेक्टर है, यू नो, बिकॉज वो ऑब्वियसली वो अपने बारे में सोचेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, उनके तरफ से कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से तो वो गलत ही हो जाएगा ना. तो मैं तो कभी ऐसा कोई फिल्म नहीं करूँ जिसमें आर्टिस्ट डायरेक्टर है, यू नो. सो अ फिल्म ऑलवेज डायरेक्टर को न्यूट्रल होना है, डायरेक्टर के नॉट बी बायस्ड अबाउट एनीथिंग. डायरेक्टर के लिए फिल्म का हर पहलू उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. मतलब फिल्म के पीछे एक सही डायरेक्टर वो होता है जो फिल्म के सबसे पीछे एक बैकग्राउंड डांसर भी ठीक तरीके से डांस कर रहा है कि नहीं, वो फिल्म के साथ उसका मैच हो रहा है कि नहीं, उसका भी ध्यान रखे. दैट इज़ व्हाट अ रियल डायरेक्टर इज. रियल डायरेक्टर कभी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हो सकता है. आर्टिस्ट हैज़ लिबर्टी टू डू दैट, अ डायरेक्टर कैन नॉट डू दैट. डायरेक्टर हैज़ टू बी फेयर टू एवरीवन इन द फिल्म. मैम एक्चुअली आप भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों हैं, राजी जी हैं और जो आप भी कहीं आप हैं, आगे चांसेस आई मीन कुछ प्लान्स हैं मिश्री के साथ आगे काम करने का? जैसे हमने बताया आगे का प्लान हम कर रहे हैं राज जी के साथ, राज फतेह अली खान के साथ. और सी इज़ आई थिंक ऑल्सो बिग फैन ऑफ राज फतेह अली. राजीव जी को बहुत पसंद है, मिस्टी को बहुत पसंद है. तो थिंक अबाउट नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ राज फतेह अली जी. क्रिश सर सिर्फ फिल्म साइन करने गए थे, उन्होंने बोला था कि मैं आके, और वैसे भी सिर्फ पैच वर्क बाकी था फिल्म का, सिर्फ पैच वर्क बाकी था और क्रिश सर ने बोला था मैं आके कंप्लीट करूँगा. लेकिन उसे जब उसी विषय में बोलना चाहिए था मैम, या तो इवन कास्ट को जो जैसे कि आपको प्रॉब्लम हुआ तब आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? अब क्यों पिक्चर क्योंकि चल रही है, अच्छी चल रही है, देख देखा मेरा कोई सराहा जा रहा है, राइट, ओके. तो क्या मुझे पता था, मैं यू थिंक आई एम ऑल्सो समबडी हु सिट्स एट द एडिट टेबल टू सी मेरा कितना रखा गया कितना नहीं. डायरेक्टर को दिखाया नहीं जाता था एडिट. फॉरगेट अबाउट मी, आई एम नो वन, आई जस्ट स्टार्टेड, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था. That's a million dollar question. Because she's also directing a film which is that's Yeah, but continue. Thank you so much. Thank you.